लखनऊ स्टेशन से वापसी हो रही है अब हमारी गांव की तरफ, और ये लखनऊ स्टेशन है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन से हमने जो गाड़ी पकड़ी थी हमारे देवरिया स्टेशन जाने के लिए, ये वही स्टेशन है चारबाग स्टेशन लखनऊ। अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी पकड़ेंगे और देवरिया उतरेंगे। और ये देखिए हमारा देवरिया स्टेशन है, यहाँ पर हम सुबह ही सुबह उतर गए थे। 7-8 घंटे का हमारा ये सफ़र हमने कंप्लीट कर लिया था। और चलिए अब हमारे गांव का सैर करते हैं। गांव की हरियाली देख लीजिए, इस मौसम में गन्ने का पेड़ देखिए, गन्ने सब लगे हुए हैं यहाँ पर। ये हमारा खेत है, काफ़ी ज़मीन है घूमने के लिए। हमें कभी कभी ये हम घूमने के लिए ही निकल जाते हैं अपने खेतों में। तो ये देखिए गन्ने लगे हुए हैं, वो क्या है, ये हम अपने गन्ने खुद तोड़कर और खाने का मज़ा भी ले लेते हैं। ये यहाँ पर आलू लगा हुआ है, ये सारे आलू लगे हुए हैं। और इस तरफ राइट साइड में आलू जो है थोड़े थोड़े से उग गए हैं, यहाँ पे अभी जस्ट डाला हुआ है। और ये जो है सागवान का पेड़ है, ये जो है ये आलू का पेड़ है, जो आलू मतलब छोटे छोटे से उसकी पत्तियाँ आ गई हैं इसमें। ये सारी ज़मीन हमारी है और रोड के इस साइड भी है। देख रहे हैं दूर दूर आप, ये मुर्गी फार्म है यहाँ पर हमारे खेतों में। साइड साइड में कुछ लोगों ने मुर्गी फार्म खोल के रखा हुआ है, तो मुर्गियाँ भी यहाँ की बहुत मज़ेदार होती हैं। खुद के यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है हमारे गांव में। खूबसूरत देखिए कितना है। और ये इस तरफ हम आ गए, यहाँ पर हमारे घर के सामने ये बड़े अब्बू का घर है। आने जाने का ये रास्ता है और गवर्नमेंट का पानी का यहाँ पे नल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। साइड में केले का पेड़ है बहुत सारे, पपाये का पेड़ है, और यहाँ पर नीम का बड़ा सा पेड़ है। अबू का एक्सप्लेन और करो। ये राइट साइड में बहुत सारे हमने टमाटर लगे हुए हैं, लहसुन है, ये देखिए गवर्नमेंट का नल। हर चीज की सहूलत है यहाँ पर, बहुत ही सुहाना और खूबसूरत मंजर है, साफ सुथरा है। ये हमारे बड़े अब्बू का घर है और सामने जो है बीच में ये चचा का घर है। ये और हम देखिए अपने घर से इस तरफ को आ रहे हैं है। क्योंकि हम अब ये गांव घूमने निकल रहे हैं। पीछे देखिए दो बकरियां भी आ रही हैं और ये आसपास जितनी जमीन है वो सब हमारी खुद की है। और यहाँ पे ये चचा की जमीन में देखिए क्या लगा है, लहसुन, आलू, प्याज, ये यहाँ पर मटर उगाया है कहीं पे, वो ले लो, छोटी छोटी जरूरतों की चीजें देखिए इस तरह से ये लोग खुद लगाते हैं। अपने साल भर इन लोग का खाना पीना इसी से चल जाता है। इनके बच्चे जो हैं सब बाहर हैं, गुजरात में है कोई, ये आलू के हैं, आलू की खेती, एक साउथ अफ्रीका में है। इस तरह से बच्चे अपना अपना कमाते हैं और ये पेरेंट्स का इस तरह से खेतों में अपना टाइम पास हो जाता है और छोटी मोटी जरूरत की चीजें इन्हें कभी खरीदना नहीं पड़ती। देखिए लहसुन कितने अच्छे से हो गए हैं ना। ये आसपास के घर हैं और इस तरफ हम भी नहीं, तो थोड़ा जंगल आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए रास्ता है बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर भी सब लोगों ने अपनी अपनी जरूरतों की चीजें लगा रखी हैं। मिर्ची, टमाटर, लहसुन, प्याज,
ये सभी के खेतों में थोड़ा थोड़ा सा बैगन है, देखिए ये हम लोग का इस तरह से उगाया सब लोगों ने अपना अपना लगा के रखा हुआ। ये नदी का किनारा है, नदी की ओर आ गए हैं हम लोग। वो अपन का सर रहे हमारे गांव की ये नदी बहुत टोटो दूर तक के इधर भी घूमती घूम रहे फिरती हैं। जाती है, और इसमें हम लोग कभी कभी आते हैं। अभी ठंड थी तो अरे हम लोग इसके हाँ करीब में नहीं गए हैं, दूर से सीन लिए हैं, वरना हम लोग अपने पैर वैर भिगाते हैं इसमें आके। वो अच्छा है लगता है वो बहुत है इसके आसपास तो घूमना, मछली है। और क्या साफ कुछ सुथरा हुआ मीठा पानी है। मछली है इसमें लोग जैसे कि किनारे पे बैठ के डाले वो टर्टल, लेकिन बहुत अच्छा है लेना चाहिए हाँ उठा ना। लो पूरी बिरादरी हाँ होगी इधर घूम रही तो होंगी पालने सब। के लिए अच्छा है पानी में हमें देखिए छोटे छोटे टर्टल होते हैं ना, जो कछुए वो देखिए मिट्टी भर तैरते हुए लगी हुई दिख रहे देखो। हैं, सब बोले एकदम कुछ साफ शायद क्लियर दिख रहे खोली में हैं। है क्या वो? नहीं जहाँ पे मैं पार्लर का काम कराने जाती हूँ ना उन लोग के घर में। और आगे चलते हुए हम चलो लोग ने इधर से यहाँ ही पर जाना है, बहुत सारे इधर कद्दू से लगे हुए इधर ही देखे। चलो आ हाँ, लोगों ने जाओ। अपने अपनी छतों पे कद्दू की पेड़ को बेलें होती है ना, बेल वो इस तरह से चढ़ा दी गई हैं, तो हम लोग उसी को घूम घूम के यहाँ पर देख रहे हैं। सबके बड़े बड़े अच्छी अच्छी चीजें लगी हुई हैं यहाँ पर। वाला वो यहाँ सागवान के बहुत पेड़ मतलब हैं, पीछे जहाँ पे अभी हम वो लोग खड़े हैं हमारे नहीं सामने। नहीं ये ये वाला वो उनके मेरी मामा का बड़ी घर है। ननंद का घर है वही उनके लिए अगर मामा आपा हाँ का, उनके मामा है। और उनके यहाँ देखिए पपाया लगा हुआ है, कितने सारे पपाये लगे हैं। ये पूरे पपाये की खेती है, इनके घर से लगकर है। अपने हाथ से तोड़िए पपाये को, इस तरह से लगा हुआ है। कौन उगाया है तो सलीम? खूबसूरत है ये पेड़ का जो। ये अपना ही खेत है उसने उगा था। और यहाँ पर उज्मा जो है वो बकरी को खिलाने जा रही है, उन्होंने गोद में उठा लिया है। बोला आपी क्या नाम है तुम्हारा? जाने दे छोड़ दे छोड़ दे। मैं नाम अच्छा नाम दिया। ऑरेंज चला देखो अभी मैंने नीचे से ना के देखा कि कुछ इन लोग को याद नहीं रहता है ना, इन लोग ने क्या क्या बेचने को निकाला है, तो मैं इसी खुद खुद के गांव में चूड़ी बेचने वाला घर के द्वार पे ही आ गए थे, तो उनसे हम सभी ने 1200 की चूड़ियाँ खरीदी, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ खरीदी कि हम यहाँ पर किसी को बांटेंगे। ये हमारे गांव का घर है, और ये एक कमरा है, बाहर निकलने के बाद आंगन है, और एक साइड में वॉशरूम है, और उसके लेफ्ट साइड पे हमारा किचन। किचन भी बहुत साफ सुथरा है, और देखिए लोग काम भी कर रहे हैं उसी में। काफ़ी अच्छा साफ सुथरा माहौल है। फिर इस तरफ भी एक बड़ा सा कमरा है, लेफ्ट साइड बहुत बड़ा कमरा है। ये सभी ज़रूरत की चीज़ें हमने वहाँ पे खरीद के रखी हुई हैं। साल में 2 बार हमारे सास ससुर जाते हैं, पर हम लोग साल में एक ही बार जा पाते हैं, वो भी नवंबर दिसंबर की ठंडक में, क्योंकि यहाँ पे लाइट रहती नहीं रहती है ना, तो हम गर्मी में नहीं जा पाते हैं। गर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोशनी नहीं होती, लाइट नहीं होती, तो गर्मी का जो शिद्दत है ना वो बर्दाश्त ही नहीं होती। तो हमें ये मौसम अच्छा रहता है, अपने अपने कमरों में होड़ हाड़ के खा पी के सो जाओ, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारा आंगन है, और ये घर के बाहर का देखिए द्वार कितना बड़ा है, विशाल और साफ सुथरा। देख रहे हैं आप कितना प्यारा सा घर है हमारा। और इसी के बाहर हम
बच्चे जो हमारे आते हैं तो खेलना कूदना लगा रहता है। देखिए कितना हर तरफ साफ सुथरा है। ये गांव का नाम निर्मल गांव भी है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ की साफ सुथराई को देखते हुए ये नाम दिया था इस गांव को, जबकि गांव का नाम है कोटवा, लेकिन इसे निर्मल गांव के नाम से शोहरत मिली हुई है। तो हम जिसमें रहते हैं ये वही गांव है, ये हमारे घर घर के बाहर का मंजर है। ये मेरे शोहर के बड़े अब्बू का घर है। यहाँ पे शाम के हम लोग मगरिब के बाद आए हैं तो मुश्किल से भी यहाँ 6 बजा है, लेकिन देखिए ना लग रहा है आधी रात हो गई। गांव है और ये हमारे अभी जो है ये हमारी भाभी है, ये देखिए हंस रही हैं, ये इनके घर हम आए हुए हैं और इनका बेटा पीछे बैठा है परवेज। इनके द्वार बहुत बड़ा है, इनके घर का आंगन बहुत अच्छा बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे हमारा देखिए नाश्ता चाय पानी चल रहा है और हम लोग सब यहाँ पर आधा घंटा पौना घंटा बैठ के फिर जाएंगे। सब लोग खाना पीना खा कर और ये रात में हम लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सारे कमरे में देख रही हूँ। यहाँ पर लोग यहाँ पर अजीज और शफीक रह रहे थे वो नहीं हैं। और किचन में देखो सब्बू की चाची जो हैं बर्तन धो रही हैं। और ये हमारा किचन है, खा पी के हो गया है हमारा, सब साफ़ सफाई भी हो गई और अब हम लोग अपना अपना काम करके अपने अपने रूम में चले जाएंगे। और चलिए अभी मैं सब्बू की खाला से मिलवाऊँ जो हमारे साथ हमारे गांव घूमने आई थी, तो ये अब हम उनके पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर खड़ी है मेरी छोटी बहन रशीदा और उसकी बेटी उज्मा और ये हमारा कमरा। तो ये लिट्टी की तैयारी हो रही है, देखिए इस तरह से लिट्टी हमारी बनेगी और बनाने वाली भी बैठी है यहीं पर। हाँ आपका नाम क्या है? हाँ नसीमा खातून बना रही है लिट्टी। घर के बाहर जो है आग जलाई गई है जिसमें हम बैगन भून रहे हैं और इन बैगनों का बनेगा भरता या कहिए चोखा जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। आठ से दस बैगनों को इस तरह से हमें पलट पलट कर भूनना पड़ रहा है ताकि ये बहुत ही सोंधे सोंधे से भुन जाएं। तो ये लीजिए सारे बैगन भुन चुके हैं, अब इसके छिलके उतारने का काम शुरू करेंगे हम लोग। घर के बाहर जो है ये सुहाना सा मौसम है जिसमें ये हमने आग जलाई थी, बैगन तो भुन चुके हैं और अब हम लिट्टी भी इसी में सेकेंगे। तो देखिए लिट्टी सब तैयार है और ये आग में रखी जाएंगी और इसी को सेका जाएगा। लिट्टी तो सेक ली जाएगी, साथ ही हम लोग ये गर्माहट भी ले रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम है और बहुत मज़ा भी आ रहा है क्योंकि हमें ऐसी ठंड में बैठने का मौका तो मिलता नहीं मुंबई में, तो ये अलग ही एक तरह का लुत्फ भी हम ले रहे हैं बनाते बनाते। तो इस तरह से अब लिट्टी को रखा गया है और इसे हल्का सा एक बार पलट भी लिया जाएगा इसी पर, और हाथों की मदद से ही सारे काम हो रहे हैं। हम लोग तो नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन जो लोग बना रहे हैं वो अपने हाथों से ही पलट पलट कर ले रहे हैं। और फिर इसको हो जाने के बाद क्या करेंगे? फिर से बाहर निकाल देंगे और फिर इसकी आग को फैला कर और इसको दोबारा से सेका जाएगा। ये एक तरीका है इसको, देखिए आग को जिस तरह से ये फैला रहे हैं, और इसको फिर से लिट्टी को वापस रखा जाएगा और सारी आग जितने कोयले हैं वो इसके ऊपर रख दिए जाएंगे और 10 से 15 मिनट वो इस तरह से ढके ढके सिकेगा। तो ये
प्रोसीजर है इसका, लेकिन बहुत ही सोंदा सोंदापन इससे आता है। टमाटर भुना गया और ये आलू उबाल लिए गए हैं, बैंगन साफ कर लिए गए हैं, अब इनको मिलाया जाएगा। हरी मिर्ची काट के पड़ेगी, हरा धनिया पड़ेगा, लहसुन काट के पड़ेंगे इतने सारे। ये देखो कटा रहा है हरी मिर्ची, इतना लहसुन काट के डाला जाएगा। लोग देख के ललिया आ जाएंगे, चोखा और बाटी डालेंगे तो। प्याज भी कट के पड़ेंगी, ये देखिए कटा रहा है। ये हरी मिर्ची तीखी नहीं है इसलिए 10-12 पड़ गई। बहुत अच्छी मिर्ची है, इस बार ला दी गई है, देखिए। अब ये पूरा आग पूरा ढक दिए हैं, अब जब तक के पकेगी अंदर छुप के, फिर निकलेगी तब बताते हैं आपको। मल रहे ना उसका फोटो, तो अब मिक्स हो रहा है। इसमें नमक पड़ेगा, नमक 1 चम्मच डाला जा रहा है, जैसी जरूरत होगी और डाला जाएगा। प्याज भी मिलाएंगे बाद में, और डालें बस। हाँ बस हो जाएगा मेरे ख्याल से। वो भी डालिए, प्याज भी डालिए। प्याज डाल दीजिए तब अच्छा मिक्स होगा। एक काट दो ना हरी मिर्ची, क्यों बेचारी को एक बचाए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल तीखी नहीं, नहीं तीखा है मिर्ची, है ही नहीं तीखी। 10 पड़ा होगा, 10 से ज़्यादा। राई का तेल डालें, अचार का तेल पड़ेगा ना, राई का थोड़ा, राई का डालो ना खुशबू। नहीं अचार भी ला रही हैं, पर ये थोड़ा राई का तेल डालने जा रहा है, देखिए इससे बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है। मज़ेदार खाना पकने। हाँ डालो डालो, ये देखिए मिर्ची का अचार बढ़ रहा है इसी में। ये मिर्ची भरी हुई जो मिर्ची होती है, उसका मसाला जब इसमें मिला दिया जाएगा तो चोखा जो है एकदम रसीला मज़ेदार बन जाएगा। ये मिर्ची का अचार हर जगह नहीं मिलता है, ये भी घर का बना हुआ है। इसका वीडियो आप हमारा अगली बार देखिएगा, जब हम डालेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आएगा। चोखा देखिए, चोखा हो गया है तैयार। अब मैं जा रही हूँ लिट्टी देखने बाहर, वो क्या वो किस हालत में है, तो चलिए बाहर चलते हैं। पूरा आलू लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। देखो सीख गए सब, बटियार से निकल गए सब। देखो कितना अच्छा झाड़ झाड़ के निकाला जा रहा है गरम गरम। हेलो, ये इतनी निकल गई देखो। तो ये हमारी लिट्टी भी तैयार है, चोखा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब खाना शुरू करते हैं, ये मज़ेदार खाना आप भी हमारे साथ खाइए। लिट्टी को क्या हो जाता है कि ये राख में बना है ना, तो राख ना लगी रहे इसलिए क्या हुआ है कि रुपट्टे में रख कर इसे थोड़ा सा ऐसे झाड़ा जाएगा, तो क्या होगा इसमें सारे राख निकल आएगी। और यूपी में क्या होता है, लाइट कभी रहती है कभी नहीं रहती, इस वजह से ये काफ़ी अंधेरे में हम ये काम कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। लेकिन ये देखिए इस तरह से हिलाने से क्या हो गया, सारी राख निकल गई और लिट्टी जो है एकदम साफ साफ होके निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए लिट्टी चोखा तैयार है और सभी का हिस्सा यहाँ पे लगाया जा रहा है, अड़ोसी पड़ोसियों को भी दिया जा रहा है। और हमने सबने इसे खाने के बाद पैकिंग करना है, हमें सुबह सफ़र करना है मुंबई के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वापस से आ गए हैं देवरिया स्टेशन, यहाँ से हम मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन छूटने का टाइम है 6:45, 7:15 का, और हम यहाँ पे
एक घंटे पहले आ चुके हैं स्टेशन पे और बहुत ठंड पड़ रही है, तो हमने यहाँ पे बैठ के क्या हुआ चाय पी है, सब हम लोग चाय पी रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सुबह सुबह 6 बजे आ गए हैं हम सब यहाँ पर। तो अब इंतजार खत्म क्योंकि हमारी ट्रेन आ रही है और हमने एकदम अंदर सवारी के लिए तैयार हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। कहाँ से चल रहे हैं?